फांसी दो, गौ माता के हथियारों को फांसी दो। बीते दिन चंडीगढ़ विखे गऊ माता के वछड़े का सिर कट्टण के बाद शिवसेना आगुआं दे विच काफ़ी रोस पाया जा रहा है, जिसके चलते अमृतसर लाहौरी गेट के बाहर शिवसेना के आगुआ वालों इस घटना नूं लैके रोस प्रदर्शन किया गया है। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि अगर गऊ माता के बछड़े का कतल करन वालिआं नूं सज़ा ना मिली तो शिवसेना के आगू आने वाले समय में तिखा रोस प्रदर्शन करनगे। उन्हां कहा कि फिलहाल तो चंडीगढ़ विखे ही इसकी शिकायत पुलिस नूं दित्ती गई है, जेकर समय रहिंदे दोषियों उत्ते कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे पंजाब विच उन्हां वल्लों तिखा प्रदर्शन किया जाएगा। कारण है कि गऊ माता के बछड़े का सेल आता है, होर कारण भाई इहदे च की होना है? की प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह का प्रदर्शन तुहाडे वल्लों? प्रदर्शन आपां प्रशासन नूं दसना चाहते हैं, सरकार तक अपना सुनेहा पहुँचाना चाहते हैं कि जो हो रहा गलत हो रहा है। इस तरह भाईचारे च कई भाईचारे च लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिस तरह धनोली हरकत जिहड़े गंदे लोग करते हैं। कितने गऊ दे बछड़े दा जिहड़ा सिर लाया गया, की घटना है सारी दसो। चंडीगढ़ दे विच एक मैनूं बाजार दा नाम भुल गया थोड़ा, चलो कोई गल नहीं। चंडीगढ़ दे विच अपना गऊ माता दे बछड़े दा सिर लाया गया और साडे कई हिंदू संगठन और कांग्रेस बीजेपी ते अपने कई बजरंग दल दे कई हिंदू नेता साढ़े उत्थे पहुँचे मौके पर, तो उन्होंने रोश उत्ते रोस प्रदर्शन किया, उन्हें लिखती शिकायत दी। तो हाले तक कई बंदियां दी उन्होंने गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उन्होंने सुन के बड़ा दुख लग्या कि आपां भी इत्थे सारे रोस प्रदर्शन सारे अपने हिंदू संगठन नाल अपने खड़े, तो जे वह बंदे नहीं फड़े जाते तो आप भुख हड़ताल से बैठांगे, सानू चंडीगढ़ जाना पेगा, आप चंडीगढ़ भी जावांगे। कि तुहाडे वल्लों लिखती शिकायत भी दी जा सकती है अमृतसर? लिखती शिकायत देवांगे जी, देवांगे जे नहीं गिरफ्तारी होगी उन्हें फिर देवांगे। ठीक है जी। प्राइम मुदली अमृतसर तो हरजीत सिंह ग्रेवाल की रिपोर्ट।